Hello everyone, I am Garima Singh. Welcome back to my channel. In today's video, we'll learn about a very important topic, which is about food security in India, the problems and solution regarding it. We're doing a very important part from this chapter, which is all about food security. And by today, we'll be completing this chapter as well. Ye last part hai chapter ka, and listen to it very carefully. Very important part, and bahut sare questions aate hain is part se. तो बेसिकली आज हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी. फूड खाना सबको पता है, इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड फॉर एवरीबडी. नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे. एंड फूड इज द ओनली थिंग विच प्रोवाइड द मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल टू द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, द प्लांट. सबके लिए बहुत ज़रूरी है फूड, क्योंकि वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है और उसी के बाद सर्वाइवल ईजी होता है, एनर्जी मिलती है एग्जिस्ट करने की. सो अब जिन लोगों के पास ये फूड नहीं है, कुछ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसे है जिनको खाना नहीं मिलता, उनको एक्सेस नहीं है फूड की, सो दे आर बेसिकली फेसिंग द प्रॉब्लम कॉल्ड फूड सिक्योरिटी. पास खाना नहीं है, इतना भी नहीं कि वो खा ले प्रेजेंट टाइम के लिए. तो इसलिए जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है खाने का, वो लोग कौन सी मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दैट इज द फूड सिक्योरिटी. ओके, सो एज वी ऑल नो द सेगमेंट, और इफ एनी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन लैक्स द एक्सेस टू फूड, इट मीन्स द सेगमेंट इज सफरिंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी. जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनकी क्या प्रॉब्लम है कि फूड सिक्योरिटी नहीं है उनके पास. ओके, ऑल्सो इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड फूड सिक्योरिटी क्या है, वाई, वेयर एंड हाउ वी रिक्वायर फूड सिक्योरिटी. क्यों ज़रूरी है, क्यों सबके पास फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, कैसे फूड सिक्योरिटी मिलती है, एंड हु आर द बेसिक इंस्टीट्यूशन वर्किंग बिहाइंड इट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस सिक्योरिटी टू द पॉपुलेशन. ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट questions as well as the concept, which is all about public distribution system, which is commonly known as PDS, minimum support price, MSP, buffer stocks, consumer categories, the problem related to food security and the solutions for it. जब हम food security की बात करते हैं कि food की कमी क्यों हो गई है, खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, there may be several reasons behind it. Either इट इज़ पॉवर्टी, भाई लोग ही गरीब हैं कि पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, गरीबी की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है. और द नेचुरल डिज़ास्टर, कोई कैलामिटीज़ आ गई है, कोई ऐसे ही अर्थक्वेक या फ्लड जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो गए हैं जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो गई है, एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ फूड नहीं हो पा रही है. और देर आर अनसर्टेन फूड सप्लाई. अनसर्टेन फूड सप्लाई मतलब यही कि फूड पीछे से फूड चेन की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है ड्यू टू एनी रीज़न. ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी है, या कि लोगों ने स्पेक्यूलेशन के चक्कर में रोका हुआ है खाना, या जो भी चीज़ें हैं. तो देर आर सेवरल रीजंस विच लीड टू फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देर इज़ अ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, व्हाट द गवर्नमेंट डज, द गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइंड a national food security policy through two major components. One is public distribution system, which is known as PDS, and other is buffer stock. So government ne do major policy banayi hui hai under the national food security system, jiske madhyam se it ensure ki jitna bhi available food hai sabko available ho jaye. Okay, ek hai public distribution system PDS. पब्लिक मतलब जनता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा. ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड. ओके, नाम में ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको लर्न करने में कोई तकलीफ नहीं होगी. सेकेंड, ये आप द बफर स्टॉक. बफर स्टॉक क्या है कि गवर्नमेंट खरीद के अपने पास पूरा स्टॉक रख लेती है, उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं. एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर under the national food security system. Okay, now let's see the each component and understand how the government function in total. So firstly we'll discuss about the buffer stock. Buffer stock kya hota hai?
स्टॉक से तो आपको पता चल गया कि कुछ इकट्ठा करके अच्छे भरपूर मात्रा में इकट्ठा करके रखा हुआ है, स्टॉक करके रखा हुआ है. ओके, नाउ बफर. बफर मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ, बफर जोन किसको बोलते हैं? जैसे दो जगह के बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन जिसको हम बफर जोन बोलेंगे, भाई उसको होके ही गुजरना पड़ता है, राइट? तो ये एक बफर स्टॉक है, मतलब सरकार फसल खरीद के रख लेती है इन अ ह्यूज अमाउंट, गोडाउंस वगैरह में सेव करके रखती है उसको, और आने वाले टाइम की डिमांड के हिसाब से उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, लोगों तक पहुंचाती रहती है, राइट? सो बफर स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर पुअर एट अफोर्डेबल प्राइस. किन लोगों के लिए है ये? गरीब लोगों के लिए, और एक अफोर्डेबल प्राइस, सस्ते चीपर प्राइस पे उनको खाना मिल सके. देयरफॉर गवर्नमेंट ऑलवेज गो फॉर बफर स्टॉकिंग. ओके, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इफ यू आर फ्रॉम अ विलेज और अ टाउन, कि वहाँ भी जो राशन है, राशन कार्ड होते हैं ना सबके घर, तो कोटाज में आपको थोड़ा कंपैरेटिवली चीप रेट पे सामान मिल जाता है. अगर वही सेम चीज़ आप डिफरेंट ब्रांड की प्राइवेट कंपनी से खरीदते हो तो बहुत महंगी पड़ती है. देयरफॉर बफर स्टॉक किस लिए है? ताकि फूड ग्रेन्स मिल सके किनको? पुअर पीपल को, एट अफोर्डेबल प्राइस. ओके, इसलिए गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक मेंटेन करती है, फूड ग्रेन्स को जमा करके इकट्ठा रखती है. ओके, एंड टाइमली उनको लोगों तक पहुंचाती है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ये बफर स्टॉक कहाँ से क्रिएट होता है, सरकार कहाँ से लाती है, क्या सरकार खुद जाके खेती करती है? आंसर इज नो. कहाँ से आएगी ये सब चीज़? गवर्नमेंट बायस फ्रॉम द फार्मर, किसानों से खरीदती है सरकार फसलों को, एट MSP. MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है भाई? सर, अगर किसी ने फसल उगाई है, किसान ने, ठीक है, तो ऑब्वियस है कुछ अपने लिए रख के कंजम्पशन के लिए, बाकी जो सरप्लस होगा वो मार्केट में बेचने जाएगा. अब आपको प्राइस नहीं पता कि कितना है, तो हु डिसाइड्स द प्राइस? द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस. भाई इस साल मैं पर क्विंटल गेहूँ के इतने रुपये में खरीदूंगा, तो सरकार प्राइस डिसाइड करती है. भाई उस प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर सपोज उन्होंने बोल दिया 1,000 रुपये, ओके, पर क्विंटल, तो 1,000 रुपये पर क्विंटल से 1,000 रुपये से 1 रुपया नीचे नहीं जाएगा. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भाई 1,000 रुपये पर क्विंटल तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा. ओके, सो गवर्नमेंट बाइज द क्रॉप्स और द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एंड हुज ड्यूटी इज इट टू डू सो? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आर गवर्नमेंट विच मेक श्योर दैट इट बायस एंड प्रिक्योर द फूड ग्रेन्स एंड स्टोर देम एट अ प्रॉपर प्लेस. ओके, तो किसकी ड्यूटी है? MSP पे खरीदना, प्रिक्योर करना, उसको एज अ बफर स्टॉक संभाल के रखना. इट इज प्रिक्योर्ड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज कॉमनली नोन एज FCI. सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, बफर स्टॉक हो गया है, खरीदारी हो गई है, पूरा सामान तैयार है, हाउ द गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द फूड क्रॉप्स? सो द गवर्नमेंट नाउ डिस्ट्रीब्यूट्स दीज फूड क्रॉप्स फ्रॉम अ सिस्टम नोन एज PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. खरीदती किसके द्वारा है? कौन सी प्राइस पे? MSP पे. कैसे स्टॉक करके रखती है? बफर स्टॉक की तरह. कौन खरीदता है? FCI खरीदता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किस वे से करा जाएगा? बाय द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज नोन एज PDS. टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट इज द प्रोग्राम विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन रूरल एज वेल एज द अर्बन एरिया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सरकार ज़रूरी फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की ऑन देयर डे टू डे लाइफ, वो चीज़ें प्रोवाइड करती है. एट विच प्राइस? एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस, मतलब थोड़े कम और चीपर रेट्स पे, बोथ इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. लेट्स टेक अ क्विक रिविजन. फूड सिक्योरिटी के रीजंस हमने देखा कि किस किस वजह से फूड सिक्योरिटी के इशू हो जाते हैं. हमने समझा फूड सिक्योरिटी है क्या, एंड ऑल्सो व्हाट आर द मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी. इट इज द PDS सिस्टम एंड द बफर स्टॉक.
बफर स्टॉक क्या है फूड ग्रेन्स को गरीबों के लिए इकट्ठा करके रखना एट एन अफोर्डेबल प्राइस. हु बाइज इट? गवर्नमेंट बाइज इट. एट व्हाट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. फ्रॉम होम द गवर्नमेंट बाइज? इट बाइज फ्रॉम द फार्मर. एंड इट इज हुज ड्यूटी टू प्रोक्योर एंड मेंटेन द स्टॉक? इट इज द ड्यूटी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज FCI. एंड हाउ डज द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द सिस्टम और द फूड ग्रेन्स और द एसेंशियल कमोडिटीज? इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. नंबर वन प्रॉब्लम क्या है? जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से कुछ रीजन्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, दे प्रेफर कल्टीवेटिंग दोज क्रॉप्स जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. मतलब अगर वो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उगाएंगे, उनको ये गारंटी है MSP पे तो बिकेगा ही बिकेगा उनका क्रॉप. ओके, देयरफॉर दिस MSP इज लीडिंग टू हायर कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस लाइक दैट इन आर स्टेट एंड आर नेबर स्टेट पंजाब. एंड दिस हायर कल्टीवेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप इन ऑर्डर टू गेन दिस MSP, दिस इज लीडिंग टू द डिस्टॉर्टेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. सारा क्रॉपिंग पैटर्न खराब हो जाता है. वाई? सिर्फ हमें एक वीट और राइस से ही थोड़ा काम चलेगा. वी रिक्वायर पल्सेस, वी रिक्वायर वेरियस ग्राम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वो सब भी तो चाहिए. लेकिन फार्मर्स उन्हीं क्रॉप को उगाना पसंद करते हैं जिसपे MSP अच्छा हो. देयरफॉर सारा क्रॉपिंग पैटर्न खराब हो जाता है एंड एन इम्बैलेंस इज बीइंग क्रिएटेड अमंग द क्रॉपिंग पैटर्न. दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाई वी फेस फूड सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इन आर नेशनल फूड सिक्योरिटी. सेकेंड प्रॉब्लम हियर इज ऑफ सब्सिडीज. गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो सस्ते में उनको मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में अगर बात करें सोलर पैनल्स, अगर किसी किसान को खरीदना है एट सब्सिडाइज रेट उनको मिलता है, वे और वही चीज़ कोई अगर अपने खुद के हाउस के लिए ले या वैसे, तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं सोलर प्लेट्स. ओके, तो सिमिलरली सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडीज निकालती रहती हैं ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट, जिसकी वजह से जैसे फर्टिलाइजर, पावर, वाटर सर्विसेज, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाता है. ओके, एंड ऑल ऑफ दिस सब्सिडीज हैज़ लेड टू अनएफिशियंट यूज ऑफ द स्केर्स रिसोर्स. लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है एंड द सब्सिडीज हैव रीच्ड अ लेवल विच इज अ वेरी अनसस्टेनेबल लेवल. बहुत ही अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है. अगर किसी को एक सोलर प्लेट से इतनी पावर जनरेट हो सकती है कि उसका इनफ काम चल सकता है, बट स्टिल क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्री का काम है. सरकार से लो और लगाओ अपनी जगह. तो इनएफिशिएंसी है इन स्केर्स रिसोर्सेज की. लोग समझते नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो. उनको ज़्यादा थोक में खरीद के रखने से कुछ नहीं होगा, इट विल बिकम इनएफिशिएंट. राधा वो चीज़ उनको मिले जिनको उनकी एक्चुअल ज़रूरत है. नाउ ऑल ऑफ दिस सब्सिडीज बीइंग मिसयूज्ड आर लीडिंग टू द प्रॉब्लम्स लाइक सेलिनिटी. अब पानी भरपूर आ रहा है, ओके, कोई वाटर टैक्स है, कुछ नहीं है, तो और सब्सिडाइज रेट पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इजीली मोटर चलाओ, जितना पानी लगाने लगाओ. तो बहुत ज़्यादा पानी लगाना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होनी स्टार्ट हो गई है, इनएफिशिएंट हो गया, पानी खड़ा रहता है. देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ सेलिनिटी. सॉइल में जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया है, लॉस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं सॉइल के, लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन. सो ड्यू टू द sustainable use of these subsidies, we are facing another major problems in the agriculture field like water logging, salinity, loss of micronutrients leading to the land degradation. Further, let's discuss the consumer category. In consumers, we have two categories, APL and BPL. APL मतलब जो poverty line से ऊपर है, गरीबी रेखा से ऊपर वाले. एक BPL जो below poverty line है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. Okay, so we have basically two categories. अब गवर्नमेंट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर बोथ द कैटेगरी, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट पीपल, राइट? BPL वालों के लिए जो प्राइस है दैट विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ द APL पीपल. ओके, अगर इमेजिन अगर कोई क्रॉप फेलियर हो जाता है इस टाइम पे, सो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन विल
will fail and the government will not be able to provide the food security. Therefore, another important problem is the keeping in mind the consumers, that we charge different price for different people. The agriculture, the food crop should be grown and agriculture should be cultivated in a sustainable way. Another major problem is increasing population. बहुत ज़्यादा population जनसंख्या हो रही है, leading to the net zone area. हमने first chapter में की थी इसकी definition, what is a net zone area. उसका जो area जो sow किया जाता है for food crops, वो decrease हो रहा है, population increase हो रही है, therefore pressure on the land is increasing, leading to the food security in danger. Okay. After understanding the problem, what is the problem, we can now find out the solution. Okay, so the government should make each district and block self-sufficient. जैसे मैंने आपको बताया कुछ region में जैसे पंजाब हरियाणा वहाँ MSP of wheat and rice मिलती है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा wheat और rice grow करना पसंद करते हैं. So instead of this, the government should encourage each district and each block, मतलब बिल्कुल third tier of government वाले level पे, बिल्कुल local level पे, grassroots level पे government को, लोगों को self-sufficient बनाना चाहिए. जो region जिस चीज़ में बहुत भरपूर है, sufficient हो सकता है, why not to make each district and block self-sufficient, ताकि कोई खाने की कमी ना आए, ताकि कि कोई भी food security issue ना arise हो. Okay, also focus should be on improving the agriculture infrastructure. Agriculture infrastructure के अंदर ये कि तब फसल कट के market में आती है, transportation better होना चाहिए, godowns वगैरह की facilities अच्छी होनी चाहिए, storage system ठीक रहना चाहिए. आज जैसे godowns में फसल रहती है तो कितनी ज़्यादा फसल ख़राब हो जाती है due to monsoon और due to pests, तो अच्छे godowns बनाने चाहिए ताकि फसल जो आई है उसको store करके रखने में कोई कमी ना रहे एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो फूड को सप्लाई किया जा सके. अभी तो बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हो जाता है बिकॉज स्टोरेज सिस्टम इज़ नॉट दैट गुड. नेक्स्ट वी हैव इनकरेज क्रेडिट लिंकेजेस. क्रेडिट लिंकेजेस इनकरेज करना मतलब उनको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल हो फार्मर्स को. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग करनी है उनको तो दे रिक्वायर क्रेडिट. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मनी लेंडर्स एंड गेटिंग द क्रेडिट एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग देम विद द क्रेडिट. Several rural banks should be set up for agricultural credit loan. Okay, so when you are doing this chapter earlier, मैंने आपको बताया था agriculture sector को कहाँ से loan मिलता है. Okay, so comment down in the comment section and let me know agriculture sector को loan देने के लिए which all banks are available here in our nation. Then, should attract private investment. सिर्फ सरकार ही इसके अंदर agriculture sector में investment कर रही है तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, ज़्यादा क्रेडिट नहीं आ पा रहा है. इंस्टेड हमें प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना चाहिए, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी एनकरेज्ड और शुड बी अट्रैक्टेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट इन दिस सेक्टर एंड ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी डेवलप्ड. देन वी हैव the focus of increasing food grain in a sustainable way. हमने क्या देखा, जिन crops पे MSP मिलती है उन्हीं crops को ज़्यादा उगाना पसंद करते हैं, right? So जो increase in production of food grains हो रहा है उसका focus क्या होना चाहिए, that food grains एक sustainable way में grow करें, मतलब जितने required है उतना करो, क्योंकि over production की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही है. इन ऑर्डर टू ग्रो मोर आप वेस्टेज ज्यादा करते हो रिसोर्सेस का. देन देयर शुड बी अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द फूड ग्रेन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल सीड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. ये बोल रहा है लाइन में कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द फूड ग्रेन्स, क्योंकि खाली ही जो ये फूड ग्रेन्स है वीट राइस इनसे ही थोड़ा चलेगा, वी रिक्वायर अदर थिंग्स ऑल्सो टू फंक्शन ऑन डे टू डे बेसिस, देयरफॉर जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स है उतनी उगाओ. ओके, बट अलोंग विद द फूड ग्रेन्स द कल्टिवेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल सीड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि इन चीजों में भी उतना ही फायदा है. ओके, देन
The net zone area is decreasing. Why? Because of the population is increasing. And the competition between the agricultural land versus the non-agricultural land is increasing. नेट जोन एरिया डिक्रीज हो रहा है, उतने मात्रा में क्रॉप्स नहीं उगाए जा रहे. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, लोग जनता इंक्रीज होगी, तो डिमांड फॉर हाउसेस विल इंक्रीज. तो अब एग्रीकल्चरल लैंड की जगह नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा आ रहा है. ओके, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ हाउस, वेरियस बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सब चीज़ें निकल के आ रहे हैं. फोकस फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इज डाइवर्टिंग टू द non agricultural land purpose. apart from that the productivity of land is also decreasing. humne padha na jab jo subsidies mil rahi hai usko itna overuse karte hain more than the required amount ki end mein over matlab cheeze dal dete hain like fertilizers like water waste karte hain ek tarah sustainable way mein nahi karte hain. way aisa hona chahiye ki aaj ki demand bhi fulfill ho jaye एंड आने वाले फ्यूचर में भी पॉपुलेशन को सेक्रीफाइस ना करना पड़े. एंड लैंड शुड बी गिवन सम टाइम टू रीजनरेट इट्स प्रोडक्टिविटी. ओके, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और एक क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद, तो लैंड शुड बी गिवन टाइम टू रीजनरेट इट्स फर्टिलिटी. एंड ऑल्सो ओवर इरीगेशन, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, देयरफॉर लीडिंग टू द decreasing productivity of land. it should also be taken care. so after this solution, let's see the impact of globalization on agriculture. when I say globalization kya hai? the trade happening with different parts of the world, right? export ho raha hai, import ho raha hai, several commodities. so ab hum baat karenge trade in agricultural goods. agriculture good pe globalization ka kya impact pada tha? In 1991, the LPG policy was introduced here in India. Liberalization, globalization and privatization. तो globalization मतलब तुम अब खुल के ट्रेड कर सकते हो विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इंडिया में 1991 के बाद globalization की पॉलिसी आई थी. तो अब हम देखेंगे कि globalization से पहले क्या सीन था और ग्लोबलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा. टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रेड हैपनिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, एज वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 8 एंड 9 हिस्ट्री दैट ब्रिटिशर्स वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट वी वर एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? So Britishers were attracted to India for the fine quality of cotton and they took this cotton back to their nation. And the reason why they took the cotton as raw material back to their nation is to make their textile industries flourish day by day. Unke wahan textile kapdon ki bahut badi badi industry thi and cotton, ek raw cotton, fine quality ka cotton इंडिया से ले जाया जाता था ताकि टेक्सटाइल कंट्री जो इंडस्ट्रीज थी उनकी डिमांड फुलफिल की जा सके, राइट? सो आपने सुना होगा मैनचेस्टर, लिवरपूल. इन द यूरोपियन रीजन ऑफ द वर्ल्ड वी हैव बिग कॉटन इंडस्ट्रीज लाइक मैनचेस्टर, लिवरपूल. सो दीज इंडस्ट्रीज कैसे फ्लरिश की है, कैसे उन्होंने एस्टैब्लिश की ब्रिटिशर्स ने? दे एस्टैब्लिश दिस इंडस्ट्री, दिस बिग इंडस्ट्रीज by or with the help of the cotton that they took from India as a raw material for their textile industry. हमारी cotton से उन्होंने ये इतने बड़े नाम establish किए हैं. So you could imagine how good the quality of Indian cotton at that time was. Okay, so we have also seen that Britishers were now, when they came to India, they started forcing various peasants to grow indigo in the Bengal. There happened an in Blue Revolution, rebellion. Then they were forced to move from Bengal region to the Bihar region, and in Bihar again they were forcing people to grow indigo. वहाँ फिर एक चंपारण movement होती है बिहार में 1917. This is part of modern history that we have studied in class 9. तो चंपारण movement क्यों होती है? जब गांधी जी जाके वहाँ बिहार में मदद करते हैं farmers की. Why? Because the Britishers, they were forcing the people to grow indigo. Indigo kya tha? It was the blue color which was used for dyeing the clothes. Neel jo hai na, neel.
इंडिगो प्लांट से आता है, तो उस टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था, कॉटन इंडिया से ले जाते थे। अब इंडिगो की इतनी डिमांड हो गई थी एक टाइम में, ये वाला जो कलर जो इंडिगो से आता था रिच ब्लू कलर, वो कोई और डाई नहीं रंग पाती थी, तो ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था और इंडिगो उगवाना शुरू कर दिया था ताकि उनको डाई मिल सके, उनके कपड़े सुंदर सुंदर बन के रंगों में बेचे जा सके। सो वी हैव सीन वेरियस अदर मूवमेंट्स लाइक चंपारण मूवमेंट इन बिहार 1917 व्हेन द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दे डिनाइड टू ग्रो इंडिगो। इसके चलते लोग अपने खुद के लिए फसल जो बेसिक क्रॉप्स है फूड ग्रेन्स वो नहीं उगा पाते थे। ओके सो दिस वॉज द सिनेरियो बिफोर द ग्लोबलाइजेशन एरा। सो आफ्टर 1990 व्हेन ग्लोबलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड हियर इन आर नेशन वी स्टार्टेड फेसिंग सेवरल चैलेंजेस। पहले तो हम खुद के लिए ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशन के अंदर थे, तब ब्रिटिशर्स चल जाते हैं, फिर हम अपने इंडस्ट्रीज को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, फिर 1990 में तब ग्लोबलाइजेशन आता है, तो वी स्टार्टेड फेसिंग न्यू चैलेंजेस। न्यू चैलेंजेस कैसे, डिस्पाइट बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ राइस व्हीट टी कॉफी रबर एक्सेट्रा वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड नेशन। जो अच्छे फ्लरिश्ड नेशन है लाइक US, चाइना, डेवलप्ड नेशन है, उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। Why? Because they have highly subsidized agriculture in those nations. सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है and the people are also utilizing the subsidies in a proper way. So, what is the need of the hour to overcome the challenges that we are facing in the agriculture sector? So, the solution for this problem is the condition of the small and marginal farmers should be improved. जो छोटे और marginal farmers हैं उनकी थोड़ी condition सुधारनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी encouraged मोर। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जब हम खेती करते हैं विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल, ओके, तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। एंड ऑफ लेटली सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ बिना किसी फर्टिलाइजर और केमिकल की हेल्प से खेती की गई। ओके सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी much in limelight, people are preferring organic products. Okay, so ऐसी farming encourage करनी चाहिए ताकि farmers की भी income increase हो सके। Also, the cropping pattern should be diversified. Okay, not only growing of cereal or food crops should happen, instead high value industrial crops should be grown. ऐसे crop जिनकी बहुत अच्छी value मिले, जिनका use इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो भरपूर मात्रा में, हाई वैल्यू क्रॉप्स उगानी चाहिए। इस सब से क्या होगा, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि वेरी लेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन शुड हैपन। सो दिस वॉज इट फॉर आर चैप्टर नंबर 4 विच इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। हमने क्या कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि वट इज एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, the crops, the major food crops, the non-food crops, and also what is the relation of agriculture sector with other sectors, and also today we have seen a very important topic regarding the food security. What are the issues, what are the problem, what are the solution, right? So we are done with the chapter number 4 which was agriculture. I hope all the concept is clear to you all. So thank you so much for watching this video, and if you really like this video and found this video helpful for you to clear your concept, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And if you are new to this channel or you are somebody who is on this channel watching this video and haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe it too. So guys, like, share and subscribe to Economics Window by Garima Singh. Thank you so much for watching.